टुडेज टॉपिक इज आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट देखिए, इन 1911 में एच के ऑनर्स ने सुपर कंडक्टर मटेरियल की क्या कहता इन्वेंशन किया था। सो उन्होंने देखा कि जब मरकरी के जब टेम्परेचर को हम कम करते हैं, तो एक टेम्परेचर पे मरकरी का जो रेजिस्टेंस है, दिस इज टेम्परेचर दिस इज रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज 4.2 केल्विन। तो जो कंडक्टर मटेरियल था अपना, जो एच जी मरकरी, वो क्या हो गया, इस टेम्परेचर पे है, अपनी रेजिस्टिविटी लॉस कर गया। दैट मीन वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट गया। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसी फेनोमिना के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने इस सुपर कंडक्टर मटेरियल पर रिसर्च करना चालू किया। तो इन 1950 में मैक्सवेल एंड रेनॉल्ड्स क्या देखा, ये जो मरकरी है, मटेरियल सब्सटेंस है, इसके आइसोटोप्स दैट मीन डिफरेंट मास पे क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। दैट मीन्स इस मरकरी के आइसोटोप्स के, दैट मीन डिफरेंट डिफरेंट मास के मरकरी के क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, उसको किसने मेजर किया, मैक्सवेल एंड रेनॉल्ड्स ने इन 1950। तो इसी के बेस में तो उन्होंने देखा द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर वेरीज अबाउट देयर मास। इसके ये जो मरकरी है ना, उसके मास के, तो अकॉर्डिंग टू जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो आइसोटोप इफेक्ट बोलता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट मरकरी के मास के लिए, मरकरी आइसोटोप्स के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज एंटी प्रपोजनल टू द मास ऑफ मरकरी, ओके, एंड दिस इज द अल्फा इज द कोफिशियंट, है ना। इसको अल्फा क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉन्स्टेंट, है ना, और आइसोटोप कोफिशियंट। अल्फा इज अ आइसोटोप्स कोफिशियंट, कोफिशियंट ये है एक आइसोटोप इफेक्ट। दैट मींस डिफरेंट टाइप के मास, मरकरी मास आइसोटोप्स के, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या क्या होता है, वो बताता है आइसोटोप्स इफेक्ट। देखो अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट मीन टी सी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एम अल्फा, और वी राइट दिस इक्वेशन एम अल्फा डॉट क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो अल्फा का मान है, ये जो अल्फा का मान है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मरकरी के लिए इसका मान 0.5 होता है, ठीक। अगर हम जिंक के लिए देख लें, तो इसका मान 0.3 होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मास के लिए इस अल्फा का मान क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वी नो दैट द अल्फा की जो वैल्यू होती है, वो होती है माइनस डेल अपॉन डेल एल एन क्रिटिकल टेम्परेचर एम अल्फा, दिस इज लॉग, ओके, दिस इज लॉग, ये होता है अल्फा का मान। तो हम अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में देखें, देखो ये कुछ ग्राफ के फॉर्म में है, ठीक, लॉग एम अल्फा, लॉग एम, ठीक, ठीक, एंड दिस इज लॉग क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। तो देखो मरकरी जिसका मास 199.50 AMU है, जिसका मास कितना है, 5 AMU है, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, वो होता है 4.185 केल्विन, ओके।
एंड मरकरी हैविंग मास और डिफरेंट आइसोटोप 203.5 एटॉमिक एएमयू। तो इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इस मरकरी के लिए वो होता है 4.146 केल्विन। ठीक, दैट मींस इस डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे देखो मास में जैसे जैसे इंक्रीजिंग हो रही है, मास जैसे जैसे बढ़ रही है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो रहा है वैसे ही कम हो रहा है। मास जितना अधिक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही होगा। तो फॉर्मूला में इसमें देखो इस ग्राफ में तो मास जितना अधिक है क्रिटिकल टेम्परेचर उतना कम, दैट मीन्स इसके बीच में कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा, ये ऐसा, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन। मास जितना अधिक टेम्परेचर उतना कम, मास जितना कम टेम्परेचर उतना अधिक है। तो ये होता है आइसोटोप्स इफेक्ट, दैट मीन्स द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर्स वेरीज विथ आइसोटोप मास एम। ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m alpha, वेयर अल्फा इज अ क्रिटिकल सॉरी आइसोटोप्स कोफिशिएंट। ओके, अनदर टॉपिक इज हाई टेम्परेचर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ओके, तो ये जो हाइट इसको अनदर नाम भी बोलते हैं और HTS-TC। ओके, सुपर कंडक्टिविटी होती है जो वो क्या होती है, एक लो टेम्परेचर फिनोमिना होती है। दैट मीन्स किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो वो टेम्परेचर कम करने पर वो सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं उस टेम्परेचर पे सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होता है, सुपर कंडक्टर पे कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इसका वैल्यू 4.2 केल्विन होती है किसके लिए, मरकरी के लिए, जिसकी खोज किससे की थी, एच के ओन्स ने इन 1911 थे, मतलब द फादर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वो कौन थे, एच के ओन्स थे। ठीक, उसने मरकरी को इतने टेम्परेचर पर देखा कि मरकरी है जो वो सुपर कंडक्टर मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए क्या होता है, ये सुपर कंडक्टर जो मटेरियल होता है इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो कम होने के कारण इन सब्सटेंस को, ये सुपर कंडक्टिव सब्सटेंस को कम टेम्परेचर पर मेंटेन करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक, तो लो टेम्परेचर में मेंटेन करने के कारण एक्सपेंसिव होता है, इसलिए क्या के कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ ऐसे सब्सटेंस को देखा जो हाई टेम्परेचर में भी थोड़े से, मतलब दैट मीन्स हाई टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर से थोड़े ज्यादा में भी क्या होते हैं, एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो देखिए, तो हाई क्रिटिकल टेम्परेचर और सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो वे सब्सटेंस, ठीक, जो 25 केल्विन टेम्परेचर पर भी क्या हो जाते हैं, एक सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक, तो उनको बोलते हैं हाई क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी और एसटीसी। ठीक, जिन मटेरियल का सुपर कंडक्टिविटी और क्रिटिकल टेम्परेचर इतना होता है जिसके कारण वो क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इन सब्सटेंस को, ठीक, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर और सुपर कंडक्टिव सब्सटेंस को हैंडल करना और मेंटेन करना क्या रहता है, एक्सपेंसिव नहीं रहता है। ठीक, इसी के बेस से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस हाई टेम्परेचर क्रिटिकल सुपर कंडक्टिविटी की खोज की। तो देखो, ये जो हाई टेम्परेचर और सुपर कंडक्टिव जो मटेरियल जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अर्थ एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, अर्थ एलिमेंट सॉल्ट होते हैं।
ठीक, कोई और नहीं होते, अर्थ एलिमेंट सॉल्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थ एलिमेंट सॉल्ट मतलब जो कॉपर ऑक्साइड होते हैं, ये अर्थ एलिमेंट सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर ऑक्साइड को क्या करते हैं, कंटेन करके रखे होते हैं। मतलब जितने भी HTS के जो मटेरियल है ना, वो कॉपर ऑक्साइड का करते हैं कंटेन करके रखते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या होता है, 25 केल्विन या उससे थोड़ा अधिक होता है। तो इससे अधिक टेम्परेचर पर जो इतने पे या इससे अधिक टेम्परेचर पर जो मटेरियल, जो सब्सटेंस क्रिटिकल सॉरी सुपर कंडक्टिविटी तरह बिहेव करता है, उसको बोलते हैं हाई क्रिटिकल टेम्परेचर और सुपर कंडक्टिविटी। तो इसका एग्जाम्पल है, मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड। ओके, दैट मीन इसका जो फॉर्मूला होता है वो मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड, ठीक, ये होता है। और इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 135 केल्विन के इतना होता है, 135 केल्विन इतना होता है। तो इतने टेम्परेचर पर ये जो सब्सटेंस है वो सुपर कंडक्टिविटी की तरह बिहेव करता है, दैट मीन उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, है ना, तो क्या करें, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्या होती हैं, ये जो HTS मटेरियल होते हैं वे हाईली अन आइसोटोप स्ट्रक्चर होते हैं। HTS हैव हाईली एन आइसो आइसोटोपिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और इनकी जो हॉल मोबिलिटी होती है ना, इनकी जो हॉल मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है इनकी हॉल मोबिलिटी होती है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं। और इसके जो एटम्स होते हैं है ना, बॉन्डिंग ऑफ एटम इज कोवेलेंट, ना आयनिक बॉन्ड नहीं होता इनके बीच में, इनके एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके एटम के बीच में, ठीक। और ये जो HTC सब्सटेंस हैं है ना, वे कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं, दैट मीन्स ये अपने में से ज्यादा करंट को कैरी नहीं कर पाते हैं, है ना, दैट मीन्स दे कैन नॉट कैरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, दे कैन नॉट कैरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक। तो ये कुछ इनके प्रॉपर्टीज हैं, किसके, हाई टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी के। तो एक लास्ट है, देखो, दे आर जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, HTS होते हैं। इनका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक, मतलब दे आर टाइप 2 और अ हार्ड सुपर कंडक्टर, ठीक, ये मटेरियल होते हैं टाइप 2 और टाइप 8। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।